हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आसानी से नहीं टूटेगा। ओह नो, मोबाइल निकाल लिया। तुम तीनों, ऐसा लग रहा तुम्हारा एक खूबसूरत घर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दीवारों का रंग लाल होता तो और मजा आता। फिक्र मत कर, तू शहीद होके जब ऊपर जाएगा ना तो वहां स्वर्ग में तुझे दीवार लाल ही कलर का मिलेगा। चल पहले तू ही खा ले। जब तू जेल की हवा खाएगा हाँ मेरा ये हाथ बहुत याद आएगा तुझे। वादा इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है सर, कहीं श्रेया, दया सर और सचिन को कुछ हो न जाए। फिक्र मत करो, बहुत जल्द उन मुजरिमों की छुट्टी करके हमारे ऑफिसर वापस आ जाएंगे। हेलो, क्या अभय और माया का फोन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ? इतना वक्त क्यों लग रहा है? ठीक है, प्लीज जल्दी करें। थैंक यू। क्या हुआ पूर्वी? सर मौसम खराब होने की वजह से मोबाइल कंपनी वालों की कुछ नेटवर्क टावर डाउन है, इसलिए वो अभय और माया का फोन ट्रेस नहीं कर पाए। बड़ी मैं मैप में कोई ऐसी जगह लगती हूँ जहाँ उन्होंने हमारे ऑफिसर को छुपा के रखा होगा। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौशल ने कहा था कि वो लोग उन्हें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रखेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी किसी सुनसान कोने में छुपा के रखा गया मोबाइल मिल गया। मेरे बाकी के साथ ही हमें ढूंढते ढूंढते किकर पहुंच गए होंगे, उन्हें कांटेक्ट करते हैं। ओह नो, नेटवर्क नहीं है। सर, सर बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे पानी बह रहा है। पानी? पानी बहने की आवाज है यहाँ से? लेकिन सर किकर में तो ना ही कोई तालाब है ना ही कोई नदी, दुनिया से तो नहीं गई हमें किकर से बाहर लेके आए। किकर में चार इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती, सुरावनी नगर, माहेश्वरी नगर, धोबी घाट और यस की सब्जी मंडी। होना हो हमारे ऑफिसर्स को इन्हीं चारों में से किसी एक एरिया में छुपा के रखा। इतने भीड़ भाड़ वाले चारों इलाकों को देखने जाएंगे सर तो बहुत देर हो जाएगी। सो तो है फ्रेडी, इतने ही का नंबर। हेलो, हाँ रजत। सर आप ठीक हैं? आप हैं कहाँ? हम लोग ठीक हैं, पर कहाँ पर है ये पता नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं अभी आपकी लोकेशन का पता करता हूँ। फ्रेडी कॉल ट्रेस करो, हमारी फिक्र मत करो, पर उन तीन मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में है। सर आप मलिका और केतन की बात कर रहे हैं, हम उनके घर गए थे लेकिन वहां पे कोई भी नहीं।
इसका मतलब है वो लोग भी इस सन के आदमी के कब्जे में है। ये सर, सर आपको कोई आइडिया है आप लोग किस इलाके में हैं? सचर, ध्यान से सुनने पर कहीं दूर से कपड़े धुलने की आवाज आ रही है। सर, सर फोन ट्रेस हो गया, धोबी घाट से फोन आया। सर आपको धोबी घाट में कहीं रखा गया, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। एक मिनट रजत, ये धोबी घाट इलाका काफी बड़ा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आइडिया है जिसके जरिए तुम हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। बताइए सर। दिया जाता है वो लड़की आज आप सबसे इंसाफ मांग रही है। वो जानना चाहती है कि उसका कसूर क्या था। वो भी तो बड़ी होकर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती थी। बिल्कुल, बल्कि लड़कों से कहीं आगे जा सकती थी। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर, कुछ भी बन सकती थी। अरे ये धोबी घाट पर नुक्कड़ नाटक कब से शुरू हो गया? अच्छा है, लोगों का मनोरंजन भी होगा और उन्हें सीख भी मिलेगी। जिस देश में नारी को माता कहा जाता है, उसे पूजा जाता है, हमारे उस महान भारत देश में एक बालिका के साथ ऐसा व्यवहार, उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में से खून के आंसू टपकने लगते हैं। ओके सर, बचाओ। सर हमारी आवाज आपके आसपास कहीं पहुंची? बजट ढोल की आवाज आ रही है, आसपास ही हो, सीधे सीधे चलते रहना। अगली बार किसी भी लड़की को कोक में मारने से पहले इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा, स्त्री है तो ही संसार की जीवनधारा बह रही है। तुम सही आ रहे हो, मेरे मेरे दाईं तरफ ये आवाज आ रही है, मतलब तुम्हारे बाईं तरफ कोई जगह होनी चाहिए, सीधे सीधे आओ। आवाज बढ़ रही है, कुछ देखा आसपास? कोई जगह, कोई पुरानी बिल्डिंग? देखो आसपास, देखो रोड की आवाज काफी तेज है, तुम नजदीक हो। सर सामने एक पुरानी सुनसान सी बिल्डिंग तो है। चलो, नौटंकी वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? अरे यार, हम तो यहाँ आपको सीख देने आए, आप हमें भगा रहे हो, दिखता नहीं है? ए, पढ़ना लिखना हम लोग को नहीं आता है, चलो निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। जाहिल है। चलो भाइयों, वापस चलो। चलो। चलो।
क्या कर रहे हो? तुमको तो बाहर होना चाहिए। गोली चलने की आवाज। रजब सर, हम लोग आ गए हैं सर। दरवाजा खोलो। अभी दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा कैसे खुलता है सर? एक स्वाइप वाला कार्ड आता है जिससे दरवाजा खुलता है। रेडी, इसकी पॉकेट चेक करो। कार्ड। इसके लिए काम करता था। तेरा बॉस कौन है? अभय और माया। अभय और माया कहाँ है वो दोनों? फोन लगा, जल्दी फोन लगा, जल्दी। इस मुजरिम से बड़ा सरफेरा नहीं देखा मैंने आज तक। सीआईडी वालों के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि गुड्डे गुड़िया हो। लेकिन देखना, जिस दिन सीआईडी वालों के हाथ लगेगा ना, उस दिन कैसे हलवा बनाते हैं इसका। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने पैसे मिल गए ना। और पैसों के साथ साथ एक सीख भी मिली, कभी भी सीआईडी वालों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तुमने अपना सिम कार्ड पाया? नहीं, भूल गया मैं। Are you crazy? तुम जानते हो ना कि इस सिम कार्ड के जरिए सीआईडी वाले हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। अब है, प्लीज प्लीज पहले तुम गाड़ी रोको और अपना सिम कार्ड फेंको। गोतक तो वही गुंडा है ना जिसे तुमने सीआईडी पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा था। हाँ, लेकिन इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? उठाओ। हेलो। अबे भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीआईडी वाले यहाँ से निकल चुके हैं, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या, सीआईडी वाले हमारे पीछे? हाँ भाई, भूल कर भी किकर से बाहर मत जाना। हर जगह नाकाबंदी है, पकड़े जाओगे। ठीक है, बुरे फंसे। सीआईडी वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने आप को सीआईडी वालों के हवाले कर देते हैं। पागल मत बनो, वो दया उसके हाथ में ना खुजली उतर रही होगी जो जो तुम्हारे ना चेहरे पे उतरेगी। तो क्या करें फिर? कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते। सीआईडी, चल बाहर आ। कहाँ भाग रही हो मैडम? चल। खेल खत्म हो गया तुम लोगों का, समझे? सर, हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों भाग गए थे, लेकिन हम असली गुनहगार नहीं है। चुप। तीन तीन सीआईडी ऑफिसर्स को किडनैप करके रखा था तुमने। मुजरिम नहीं तो क्या महात्मा हो तुम? सर, हमें तो सिर्फ सीआईडी टीम को किकर बुलाने का काम सौंपा गया था और वो हमने सेमिनार के बहाने कर दिया। इससे ज्यादा और कोई गुनाह नहीं किया सर हमने। जो भी कुछ किया है ना सर, वो उसने किया है। उसने किसने? वो कौन है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आप बस इतना जानते हैं कि वो सीआईडी के नाम पे कलंक लगाना चाहता है। तीन मासूम जिंदगियों को ना बचा पाने का कलंक। तीन लोगों को मारना चाहता है ना, एक को भी नहीं मार पाएगा। क्या जानते हो उसके बारे में तुम लोग? ये उसी का फोन है। फोन उठा और स्पीकर पे बात करो। हेलो, सब कैसा चल रहा है भाई? सब ठीक है। और मैं और माया सीआईडी से बचने के लिए किकर से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। वैसे आपका आगे का क्या प्लान है उन तीनों को मारने का? बेवकूफ समझा है मुझे, जो सीआईडी वालों के सामने अपना प्लान बता दूं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुझे क्या लगा? मुझे पता नहीं कि तुझे सीआईडी वालों ने पकड़ लिया है। मेरे आदमी 24 घंटे तुझ पे नजर रखे हुए हैं। चल अब अभिजीत को फोन दे। बोल रहा हूँ, बोल। क्या हाल है अभिजीत बाबू? अपने भाई दया के साथ भरत मिलाप हो गया? दया के साथ तभी मिलूंगा जब तेरी गर्दन मेरे हाथ में होगी। सपने देखना अच्छी बात नहीं है अभिजीत बाबू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मेरे दिल की छोड़, अपनी हड्डियों की फिक्र कर, समझा? तो जानता नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ तो तब कुछ करोगे ना जब मुझ तक पहुंच पाओगे। एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे उन मासूमों को मारने में जो इस वक्त मेरी कैद में है। नहीं देखो, उनको कुछ मत करना, समझे? सीआईडी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, इसलिए तुम लोगों को एक और मौका देता हूँ। बचा सकते हो तो बचा लो उन मासूमों को। देखो तुम्हें सीआईडी से प्रॉब्लम है ना, हम लोगों से भिड़ो ना, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो तुम? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे। मुझसे उनकी जान की भीख मांगने के बजाय अपने दम पे अपनी प्रतिभा से अगर उन लोगों को बचाओ तो जानू। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? 24 घंटे का टाइम है हमारे पास, 24 घंटे, 24 घंटे का वक्त दिया इस मच्छर ने डंक मारने से पहले। मल्लिका और केतन को तो बचाना ही है, साथ साथ उस तीसरे अनजान शख्स को भी। हाँ सर, पता नहीं ये कौन बेचारा है जो इस सरफिरे खूनी के निशाने पे है। सबसे पहले उसने हमें किकर बुलाया सेमिनार के बहाने, और आप लोगों को फोन किया और चुनौती दी, तीन ऐसे लोगों को ढूंढने की चुनौती जिन्हें वो मारने वाला है। हाँ दो को तो हम ढूंढ चुके हैं लेकिन ये तीसरा अभी बाकी है, और इस तीसरे आदमी के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि उसे कोई कुल्हाड़ी वाला खूनी मारेगा, और तो और उनका आपस में कोई संबंध भी नहीं। हाँ सर, ना ही कोई आपसी दुश्मनी और ना ही कोई पारिवारिक अनबन, और इतनी जानकारी सिर्फ उसी को होगी जो मास्टरमाइंड है, और फिर उसको जिसने ये खून किया कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर। मतलब सर अगर हमें सुपारी किलर तक पहुँच जाए तो इस मास्टरमाइंड तक भी पहुँच सकते हैं। हाँ मगर इस सुपारी किलर तक पहुंचाएगा कौन हमें? है एक आदमी। प्रिया मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो गए ना? सर पेपर्स तो रेडी कर दिए हैं, पर केतन जी अपने खुद की बनाई कंपनी क्यों छोड़े? छोड़ नहीं रहे बल्कि जबरदस्ती धोखे से उनकी सारी जायदाद हड़प रहे हैं। क्यों, हमने ठीक कहा ना मिस्टर जेजे? प्रिया तुम जरा बाहर जाओ, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से, और आपसे हमारी एक ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर बन के मिली थी, कुछ याद आया? अब आप ये बताइए कि उस रात मिल में आग का बहाना करके आपने केतन के साथ क्या किया था? मिल? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कौन सी मिल की बात कर रहे हैं आप? यह हाथ देखा है, ये हाथ जब किसी के गाल को नसीब होता है तो उसे दिन में तारे नजर आते हैं, तारे देखने का शौक है? तारे देखे बिना मानोगे नहीं तुम। गलती होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल ये हम तीनों का प्लान ही था, रोहित सारिका और मैं, हमने सोचा था
केतन जी को रास्ते से हटा देंगे तो उनकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी सर, इसीलिए। सारिका और रोहित कहाँ हैं इस वक्त? सर पता नहीं, वो उस रात को केतन जी को लेकर के वो गए और फिर गायब हो गए सर। हमें कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। सुपारी किसे दी थी किशन की? सर उन दोनों की सुपारी मैंने ही ली थी सर, केतन की सुपारी जेजे ने दी थी सर, और मल्लिका की सुपारी उसके पति प्रज्वल ने दी थी सर। वो मालूम है हमें, ये बात तूने किसी और को बताई थी? हाँ साहब, उस सुपारी लेने के अगले दिन साहब एक आदमी का फोन आया था साहब। हेलो, हाँ कौन? 5 लाख चाहिए। हाँ 5 लाख रुपया किसको टपकाने गया है? किसी को नहीं, बस जिसे मारने जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। अरे क्या तू पुलिस वाला है हा? या प्रेस रिपोर्टर? ये समझ ले तेरी कला का कद्रदान हूँ मैं जानता हूँ तुझे 2-2 सुपारियां मिली है किक्कर में, तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, बस तेरी जगह मैं मारूंगा उन लोगों को। उसके बाद साहब मेरे अड्डे के बाहर पैसों से भरा हुआ बैग मिला सर, फिर मैंने केतन को और मल्लिका को उसके उसके हवाले कर दिया सर। कहां पे बुलाया था उसने तुम्हें? साहब मैं उसे नहीं मिला साहब, उसने पीतल फैक्ट्री के बाहर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा था सर, मैंने वहां छोड़ दिया सर। किस नंबर से फोन आया था? नहीं पता सर, वो तो प्राइवेट नंबर से फोन करता था। प्राइवेट नंबर, जरूर कोई पुराना खिलाड़ी है ये मुजरिम, तभी तो मंगल के दोनों खबरियों के बारे में उसे खबर थी। यस सर, शतरंज का खेल खेल रहा है हमारे साथ, यादों को आगे कर दिया, खुद पीछे बैठ के तमाशा देख रहा है। ऐसी चाल चलेंगे कि इस बार प्यादा नहीं सीधा वजीरों पर जाएगा। सर मुझे तो लगता है ये मुजरिम हमें उल्लू बना रहा है, कोई तीसरा विक्टिम है ही नहीं, ये हमें जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा वक्त बर्बाद हो जाए। नहीं फेड़ी, अगर ऐसा होता तो अब तक उसे मल्लिक और केतन को मार दिया होता। मतलब कमाल की बात तो यह है कि ये मंगल उस तीसरे आदमी को जानता ही नहीं जिसे सिर्फ 2 लोगों की सुपारी मिली थी। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वो तीसरा विक्टिम कौन है। कौन है सर? कुल्हाड़ी से खून करने वाले अपराधियों में से एक को, जग्गा को मैंने पकड़ा था, और उसके बाद श्रेया को और तुम्हें अपने विक्टिम्स मिल गए, मल्लिका और केतन, तो मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है वो तीसरा विक्टिम मैं ही हूं जिससे ये जग्गा बदला लेना चाहता है। अब आएगा मजा खेल का, जग्गा मुझसे टक्कर लेना चाहता है, अब होगा मुकाबला। लेकिन सर आप अपने आप को इस तरह से मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। देन मौत तो उसकी आई है, मैं जाऊंगा मिलने इस जग्गा से और उन दोनों को भी बचाऊंगा। नहीं सर, हम आपको ये करने नहीं देंगे सर। सर प्लीज हमारी बात समझने की। पूर्वी सर आपके लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे फोन पे। हेलो हाँ भाई जी बोलो। हाँ मगर अरे नहीं यार सुनो तो अभिजीत, ये बात हम बाद में नहीं कर सकते, मगर ठीक है तुम चले जाना। ओके, सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसका अड्डा कहाँ है और ये जग्गा कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हमें जानकारी सेवा फोन गेस्ट हाउस से ही मिलेगा। मल्लिका, केतन और तीसरा जो कोई भी है, ये तीनों के बारे में सुराग
जगह के कमरे से ही मिलेगा। कमरे की तलाशी लो। कबट के सर कहीं यही तो नहीं है वो तीसरा विक्टिम? जेब में कुछ है? जेब में तो कुछ भी नहीं है। मैनेजर सर इधर आइए। ये आदमी कौन है पहचानते सर? सर ये तो रघु है, ये हमारे ही गेस्ट हाउस में काम करता है। हम इसे सुबह से ढूंढ रहे थे पर कहीं मिल नहीं रहा था। ओ, इसका मतलब है रघु जग्गा के बारे में कुछ ऐसी बातें जान गया था जो इसे जानना नहीं चाहिए था। फिर ये काम करो, फोन करके डॉक्टर सालुंगे को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। सर ये काम किसी प्रोफेशनल का है। जिस तरीके से एक झटके में गर्दन मरोड़ करके खून किया है ये कोई नौसिखिया तो नहीं कर सकता है। सर तरीका बाथरूम जरा चेक करो। सही देखे सारे हथियार। अरे हथियारों में ये कुल्हाड़ी भी सारे हत्या। किक्कर पर हमला करने का प्लान है क्या इस जगह का? किक्कर का मैप पैकिंग और मूविंग का रसीद है। ये पैकिंग और मूविंग ऐसा क्या सामान था जग्गा के पास जो उसे पैकिंग और मूविंग वालों को बुलाना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिका और केतन दोनों को यहाँ से पैक करके ले जाया गया? और कहाँ लेकर गया है वो तो इस किक्कर के मैप से ही पता चलेगा। या? हाँ सर। ये देखो, जानते हो ये क्या है? पेपर के रेशे? बिल्कुल, ये सेल्यूलोज पेपर के रेशे हैं दया। ऐसा पेपर जिसे पानी में फर्मेंट किया जाता है। ओ, और ये इस मैट पे था? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब जग्गा इस कमरे के अंदर आता था तो अपने जूते यहाँ मैट पे ऐसे साफ करता होगा और उसके जूतों के नीचे जो पेपर के रेशे थे वो इस मैट पे आ गए। बिल्कुल दया, जग्गा जरूर किसी ऐसी जगह पर जाता था जहां पर ये पेपर बहुत ज्यादा था। सर, सर बाथरूम में से मुझे ऐसी चीजें मिली है जिनका इस्तेमाल बॉम्ब्स बनाने में किया जाता है। बॉम्ब? सारे हथियार और अब ये बॉम्ब, करना क्या चाहता है ये आदमी? सर, आप अंकज? सर, इस कबर्ड में आपकी फोटो, श्रेया और सचिन सर की फोटो मिली। हमारी फोटोग्राफ जग्गा के कमरे में? ये तो वही सेमिनार की फोटोग्राफ है जो फोटोग्राफर नारंग ने खींची थी। चलिए सर। सर प्लीज सीआईडी यूनिट की एक साथ फोटो। श्योर। सर इसका मतलब ये फोटोग्राफर नारंग भी जगह से मिला हुआ है। और अगर ऐसा है
तो नारंग की फोटो हम खींचेंगे और उस पर फ्रेम भी लगाएंगे। पंद्रह मिनट और 15 मिनट के बाद 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और सीआईडी से किया हुआ मेरा वादा भी। उसके बाद तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। देखो छोड़ दो हमें, तुम हमें नहीं मार सकते। तुम पागल हो गया हो क्या? हमने तुम्हें केतन अंकल को मारने की सुपारी दी थी और तुम हमें ऊपर पहुंचाना चाहते हो। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, ताकि तुम्हें अच्छी सीख मिले, अगले जन्म में जाकर अच्छा कर्म करना। और हम जैसे बुरे लोगों को कभी सुपारी मत देना। बांधो इन सबको। छोड़ो छोड़ो मुझे। लो, ये लो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खिलौना, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बॉम्ब। लो। डल गए। इसे मैंने खास अपने हाथों से बनाया है तुम लोगों के लिए। डलो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। जंगल में तुम क्या कर रहे हो? वो मत लगाओ, हम तो मर जाएंगे। तुम पागल हो गया हो क्या? नहीं। लगता है दया आ गया। मैंने कहा था ना कि मेरा तीसरा शिकार दया खुद ब खुद मेरे जाल में आके फंस जाएगा। दया नहीं, दया का दोस्त अभिजीत। दया तक पहुंचने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। अभिजीत मेरे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। जाओ, अपनी जान बचा के जाओ और भेज दो उस दया को यहां मेरे पास। मुझे गिरफ्तार करने का तोहफा तो आज मैं उसे देकर ही रहूंगा। दया से मिलने की बहुत बेसब्री है तुझे, ठीक है? छोड़ दो इन सबको, मेरे साथ ब्यूरो चलो, मिलवा देता हूं दया से। बस 2 मिनट अभिजीत, 2 मिनट। इस रिमोट का बटन दबाते ही इन लोगों को इनकी दुख भरी जिंदगी से मुक्ति दिला दूं। दुख भरी जिंदगी से मुक्ति तो तुझे सीआईडी दिलाएगी, जेल की सलाखों के पीछे डाल के।
कंधे। ए, नीचे करो ना, तुम्हारे बॉस का भेजा उड़ा दूंगा मैं। गंदो। बॉम्ब का रिमोट जग्गा के हाथ में दे देना, वरना तुम्हारे इस खूबसूरत ऑफिसर की जिंदगी का पल आखिरी होगा। रिमोट वापस दे दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाओ रिमोट दो। नहीं सर, रिमोट मत दीजिएगा, हम इसे सीआईडी के नाम पर कलंक नहीं लगाने देंगे। ये चुप। शहीद होने का बड़ा शौक है ना तुझे? तुझसे पहले भी एक सीआईडी वाली शहीद हो चुकी थी। जगह क्या नाम है यार उसका? ताशा। नहीं, श्रेया को छोड़ दो। नहीं सर, रिमोट दे दो सर प्लीज। लेकिन सर, मैंने कहा ना रिमोट दे दो। पहले श्रेया को छोड़। पहले रिमोट। ले, छोड़ दिया, मैं अपने जबान का पक्का हूं। गन नीचे रख, नीचे रख। अभिजीत दबा दो। हाँ दबा दो रिमोट। चलो माफ किया। सीआईडी वाले सब जाओ यहां से। पहले इन सब का खेल खत्म करूंगा मैं इस बम से। ठीक है, आज खेल खत्म हो ही जाने दो। तुम लोगों का खात्मा भी बम से ही होगा। आज खेल खत्म हो ही जाने दो। तुम लोगों का खात्मा भी बम से ही होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा बम सिर्फ तुम लगा सकते हो? फैक्ट्री के बाहर हमने तुमसे बड़ा बम लगाया, इधर तुमने रिमोट दबाया, उधर बम। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। नमूना देखना है, है? रेडी, नमूना दिखा दो इन्हें। यस सर। ये लगाया मैंने दया सर को फोन और ये हुआ धमाका। अभिजीत, ये मरने मारने का खेल खत्म करते हैं। कैंसर, मैं छोड़ देता हूं इन सबको, नहीं मारूंगा इनको, छोड़ दिया। देखो सीआईडी पे कोई दाग लगा? लगा नहीं लगा ना? ये रिमोट लो। अब खुश? खुश ना? हम जा रहे हैं। लेकिन एक दाग तुम पे लग गया है, खून का दाग। खून? किसका खून? उस रूम वायर रघु के खून का दाग। एक बार फिर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया ना। सीआईडी से बदला लेने के लिए मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सीआईडी को खत्म करने के लिए कई बार प्लानिंग की गई है, बहुत सारे मुजरिमों ने हाथ पैर मारे हैं हमारा सफाया करने के लिए, लेकिन ना कभी कोई कामयाब हुआ है ना होगा। जेल जाने की तैयारी करो, समझे? वहां दया तुमसे जरूर मिलने आएगा। रेडी, ले जाओ इसे। चल चल, तू भी चल। सॉरी सर, मैं लालच में आकर अपनी बीवी को ही मरवाना चाहता था। हाँ सर, जाने या जाने ही सही, पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं, गुनाह किया आप लोगों ने। आप लोगों के साथ क्या होगा इसका फैसला अदालत करेगी। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.